काम करते हुए। और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंगोल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुंदला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़ यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। वर्षों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। भर्ती होगा क्या, आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी।